देर रात हुई मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के थाना बदलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच रविवार देर रात को मुठभेड़ हो गई है। पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से चार बदमाशों घायलों को उपचार के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से कार, देसी तमंचा, टेम्पो बरामद किया है। ये बदमाश यहाँ की फैक्ट्रियां तथा गोदामों में लूट एवं चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आलोक सिंह पुलिस आयुक्त के मीडिया प्रभारी ने बताया कि रविवार की देर रात को थाना बदलपुर पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 91 के पास एक कार एवं टेम्पो में सवार होकर कुछ बदमाश आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि शक होने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अधिकारी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उमर राज उर्फ सोनू, नौशाद फरहान, अमन उर्फ उस्मान निवासी गाजियाबाद को गोली लगी है। उन्होंने बताया कि इनके तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल खबर सामने आई थी कि शहर के माइचा शमशान घाट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गई जब पुलिस और बदमाशों के बीच अचानक मुठभेड़ शुरू हो गई थी। गौक्षी के इरादे में घूम रहे अपराधी सूचना मिलते ही जब पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी करने की तैयारी की तो उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में हुई फायरिंग के बीच चार बदमाश तो गाड़ी लेकर फरार हो गए, लेकिन मौके पे तीन को पुलिस ने गिरफ्तार धर दबोचा। देश दुनिया की तमाम खबरों के नतीजे देखने के लिए देखते रहिए द नेटिजन न्यूज चैनल को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।